हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जो एकांकी समराइज करने जा रहे हैं, उस एकांकी का नाम है सूखी डाली। तो मैं इस एकांकी की अच्छी सी छोटी एक शॉर्ट समरी आपको समझा देता हूँ। सो एवरीवन, प्लग इन योर ईयरफोन्स। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली श्री उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित है। सूखी डाली एकांकी संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाती है। कहानी के दादा मूलराज जहां संयुक्त परिवार के सदस्य है, वही उनके पोते की बहू एकल परिवार में आस्था रखती है। अपने पोते की बहू बेला के मन में संयुक्त परिवार के प्रति आस्था जगाने के लिए वे अपने विचार उस पर थोपते नहीं हैं, बल्कि उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए समय तथा स्वतंत्रता देते हैं, जिससे अंत में उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आ जाता है। इस प्रकार यह एकांकी संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाती है। इस एकांकी में कई पुरुष और स्त्री पात्र हमें देखने को मिलेंगे, मतलब कैरेक्टर्स। ओके, पुरुष पात्र जैसे दादा मूलराज, करमचंद, परेश, भाषी और मल्लू है। तो वही स्त्री पात्र में बेला, छोटी भाभी, मंजरी भाभी, बड़ी बहू, पारो और रजवा है। दादा मूलराज कहानी में घर के मुखिया है। उनकी आयु 72 यानी 72 वर्ष की है। दादा मूलराज अपने परिवार को एक बरगद का पेड़ समझते हैं और परिवार के हर एक सदस्य को बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई डालियां। वे अपने परिवार की किसी एक डाली अर्थात परिवार के सदस्य को पृथक नहीं देख सकते थे, बिखरा हुआ नहीं देख सकते थे, टूटा हुआ नहीं देख सकते थे। वे संयुक्त परिवार के उपासक होने के कारण अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दादा घर के सभी सदस्यों को उचित स्वतंत्रता और सम्मान के पक्षधर है। वे अपने विचारों को किसी पर थोपने के बजाय उनके विचारों को समझने के लिए उचित वातावरण तैयार करते हैं। दादा अनुशासन प्रिय और परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान्य भी है। इसके कारण ही घर के प्रत्येक सदस्य उनकी कही बातों का सदा पालन करते हैं। दादा समझदार और दूरदर्शी भी है। उनके समझदारी के कारण ही परिवार आज संपन्नता के शिखर पर है। ऐसे में नई बहू बेला के आगमन से परिवार में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे दादा बड़ी कुशलता से संभाल लेते हैं। बेला वह पढ़ी लिखी संस्कृत घराने से संबंध रखती है। उसका विवाह परेश से हुआ है, जो कि नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है, इसलिए घर में वह छोटी बहू कहलाती है। छोटी बहू हर समय अपने मायके की ही तारीफ करती रहती है। इस कारण घर के सभी सदस्य उसे अभिमानी समझते हैं और उसकी बातों पर हंसते रहते हैं। उसके घर और यहाँ के वातावरण में काफी अंतर होने के कारण वह घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत महसूस करती है, मतलब परिवार के साथ कंफर्टेबल होने में उसे बहुत कठिनाई आती है। वही घर के सदस्य उसे गर्वीली और अभिमानी समझते हैं और उसकी निंदा तथा उपहास करते रहते हैं। छोटी बहू बड़े घर की अत्यधिक पढ़ी लिखी बेटी थी। शादी के पूर्व वह अपने मायके में राज करती आई थी, परंतु अब उसे यहाँ पर अपने ससुराल में हर एक का आदर करना पड़ता था, हर एक से दबना पड़ता था और हर एक का आदेश मानना पड़ता था। इसलिए यहाँ उसका व्यक्तित्व एक प्रकार से दब सा गया था और इसी कारण उसका मन नहीं लगता था। घर को अलगाव से बचाने के लिए वक्ता ने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाया कि उन सभी को किस प्रकार से छोटी बहू के साथ व्यवहार करना चाहिए।
उन्होंने सभी को समझाया कि घर के सभी सदस्यों को छोटी बहू से ज्ञानार्जन करना चाहिए, ना कि उसकी बातों का मजाक उड़ाना चाहिए। इस प्रकार दादाजी की बातों का घर के सभी सदस्यों पर असर पड़ा। दादाजी ने सभी को समझाया कि कोई भी व्यक्ति उम्र या दर्जे से बड़ा नहीं होता। घर की छोटी बहू भले ही रिश्ते में सबसे छोटी हो, परंतु अक्ल के मामले में सबसे बड़ी होने के कारण घर के सदस्यों को छोटी बहू की बुद्धि और योग्यता से लाभ उठाना चाहिए। घर के सभी सदस्य उसे सही आदर सत्कार, उसकी राय को महत्व और पढ़ने के लिए समय दे। उसे ऐसा महसूस ही ना होने दे कि वह किसी अन्य वातावरण में आ गई है। दादा के कहे अनुसार घर के सभी सदस्य छोटी बहू बेला को कुछ अधिक ही आदर देने लगते हैं, जिससे वह थोड़ी असहज महसूस करने लगती है, क्योंकि वह भी परिवार में हिल मिलकर रहना चाहती थी। ऐसे में वह दादा से कहती है कि वह बरगद के पेड़ से किसी डाली को अलग नहीं देख सकते, परंतु क्या वे यह देख पाएंगे कि कोई डाली पेड़ पर ही सूख गई हो? वह सूखी डाली नहीं बनना चाहती जो पेड़ के विकास में अपना सहयोग न दे पाए। इस तरह अंत में बेला भी संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहना स्वीकार कर लेती है।